Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Pradeep Kumar Tripathi. आज हम आप लोगों को has का use करना negative sentence के साथ कैसे use करते हैं इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसे हम पहले उसका रूल बताएंगे, उसके बाद से एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. Has इसके साथ लगाते हैं has not. इसमें होता है एक वचन करता, आ होता है बहुवचन करता. एक वचन करता के साथ कोई नहीं ही अंग्रेजी नो. बहुवचन करता के साथ नहीं बहुवचनकर्ता के साथ नहीं की अंग्रेजी ना. इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. सपोज करिए दिया है उसके पास एक अच्छा कलम नहीं है. कहने का मतलब वह एक अच्छा कलम नहीं रखता है. तो इसको बनाएंगे वह की अंग्रेजी ही के साथ हैज के साथ नॉट ए गुड पेन. इसी तरह से अगला देखिए. कोई उसके पास कोई बच्चा नहीं है. वह कोई बच्चा नहीं रखता है. बच्चा की अंग्रेजी चाइल्ड. वह कोई बच्चा नहीं रखता है इस आधार पर बनाएंगे तो ही हैज कोई नहीं आ गया तो नो. जैसा कि हमने आपको रूल में बताया है तो हो जाएगा ही हैज नो चाइल्ड. आगे देखिए. बच्चे के पास गेंद नहीं है. सपोज दैट आपको इसका ट्रांसलेशन बनाना है बच्चे के पास गेंद नहीं है. बच्चा इन
as long walk. Child has no ball. Pass दो किताबें नहीं हैं, क्या हो जाएगा? He has किताबें सोनाइए पढ़ ले, no books. उसके पास किताबें नहीं हैं, क्या हो जाएगा? He has no books. इस तरह से आप has का यूज करेंगे और has के साथ not लगेगा. नेगेटिव सेंटेंस का ये दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को घंटी जरूर दबा दीजिएगा और लाइक करिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे. दैट्स ऑल.